जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के चैप्टर में आर्टिकल 5 से 11। वह संविधान के भाग 2 में उसका वर्णन है। आपको पता है कि संविधान के 22 भाग है, उसमें से दूसरा जो भाग है उसमें सिटीजनशिप का वर्णन है, नागरिकता का वर्णन है। अब नागरिकता किसको कहते हैं, क्या होता है, कौन व्यक्ति है जो नागरिक बन सकता है, नागरिक होने के नाते आपको क्या अधिकार मिलेगा, कैसे आपकी नागरिकता जा सकती है, कैसे सरकार उसको छीन सकती है, और NRC क्या है, और किस तरह से संविधान में इसका वर्णन किया गया है, उसको जानना आवश्यक है। आज हम लोग उसी को देखेंगे। और इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं UPSC जैसे एग्जामों में, या फिर स्टेट PCS या और भी SSC वगैरह में, तो उसको भी हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नागरिकता का वर्णन जो है संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में है। आपको पता है कि संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, लेकिन उप अनुच्छेद की संख्या अगर उसमें जोड़ दीजिए तो 475 से भी ज़्यादा हो जाती है। साथ ही भाग की संख्या जो है वो 22 थी, लेकिन उप भाग अगर जोड़ा जाए तो 25 हो जाता है। और मैंने आपको इससे पूर्व की कक्षाओं में बता दिया है, भाग 1 को और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बता दिया है। साथ ही अखंड भारत कैसे टूट गया और किस तरह से उसको वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा था, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो आपको इसको समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नागरिक और ये जो अल्पसंख्यक है या व्यक्ति है, इसमें क्या अंतर है। देखिए, व्यक्ति वह होता है जो उस देश में निवास करता है, उस देश में रहता है, चाहे अस्थाई रूप से रहे चाहे अस्थाई रूप से रहे। मान लेते हैं हम लोग कहीं ताजमहल देखने जाते हैं और कोई व्यक्ति जाता है उसको देखने के लिए, तो वह एक व्यक्ति होगा, नागरिक भले ही नहीं हो, लेकिन अगर हम जाते हैं देखने तो हम उसका नागरिक कहलाएंगे, इस देश का। कैसे नागरिक कहलाएंगे, देखिए, नागरिक है तो इसका मतलब है कि हमको वोट देने का अधिकार है, हमको कुछ ना कुछ सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिले होते हैं, इसलिए हम नागरिक कहलाते हैं। तो नागरिक होने के नाते हमको वोट देने का अधिकार है। और जो व्यक्ति होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो नागरिक भी हो, वह उनको वोट देने का अधिकार नहीं भी हो सकता है। तो आप इसके अंतर समझ गए। साथ ही अल्पसंख्यक क्या होता है, देखिए, अल्पसंख्यक भी नागरिक ही होते हैं, उसको अनागरिक नहीं समझिएगा, अल्पसंख्यक भी नागरिक होते हैं। हाँ, अल्पसंख्यक 2 आधार पर होते हैं, या तो धर्म के आधार पर, मान लेते हैं किसी क्षेत्र में किसी दूसरे धर्म की बहुलता हो, यानी कि उसकी संख्या ज़्यादा हो, उसको मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो, और जो एक धर्म है उसके फॉलोअर्स कम हो, तो उसको कहेंगे वहाँ पर वह अल्पसंख्यक है। साथ ही साथ भाषा के आधार पर भी होता है, किसी क्षेत्र में कोई खास तरह की भाषा बहुतायता में बोला जाता है तो उसको कहेंगे कि वो बहुसंख्यक है, लेकिन हो सकता है वहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हो जो जो है वह उस भाषा को कम बोलते हो, उसकी संख्या कम हो, तो उसको कहेंगे अल्पसंख्यक है। भाषा के आधार पर, तो भाषाई आधार पर भी होता है और धर्म के आधार पर भी होता है, तो इसको समझ गए। अब देखिए, राष्ट्रीयता और नागरिकता, इसके बीच में भी अंतर होता है। राष्ट्रीयता जो है वह जन्म से ही मिल जाता है, जिस देश में जन्म हो जाता है जिसका, वह वहाँ के राष्ट्रीयता अपना लेता है, लेकिन नागरिकता जो है वह सरकार के द्वारा मिलता है। एक व्यक्ति 2 देशों का नागरिक हो सकता है, 2 देशों का नागरिकता ले सकता है, सिटीजनशिप, लेकिन कोई भी नागरिक 2 देशों की राष्ट्रीयता नहीं ले सकता है, उसको एक ही देश का नेशनलिटी मिलेगा। तो इसको आप समझ गए। अब देखिए, हम जो मूल बात कर रहे हैं वो नागरिकता की बात कर रहे हैं। तो नागरिकता क्या होता है, इसको संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने वर्डिक्ट में इसको परिभाषित किया है, तो हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, नागरिक वह होता है जिसको कुछ राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और संविधान में भी कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो सिर्फ नागरिकों पर ही लागू होते हैं, वह विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। सामान्यतः किसी देश में 2 प्रकार के लोग ही रहेंगे, या तो नागरिक रहेंगे या फिर विदेशी रहेंगे। तो विदेशी को बहुत कुछ नहीं मिला होता है। भैया, विदेशी को कैसे मिल जाएगा सब कुछ, नहीं मिलेगा ना। अब देखिए, अगर आप नागरिक है तो आपको कुछ दायित्व भी मिला हुआ है, कुछ अधिकार मिले होते हैं विशेष प्रकार के, कुछ कर्तव्य करना होता है और कुछ विशेषाधिकार भी मिले होते हैं। नागरिक होने के नाते देश की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है, देश की अखंडता की रक्षा करना, देश के जो जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो जो बंधुत्व है, उसकी रक्षा करना आपका एक दायित्व भी बनता है। साथ ही साथ आपको काफ़ी अधिकार भी मिलते हैं। क्या क्या अधिकार मिलते हैं, जैसे भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 15 में 16 और 19, 29 और 30, ये 5 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ नागरिकों को ही मिले हुए हैं, विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विदेशियों को आप मार के भगा दीजिए, ऐसा नहीं है कि ताजमहल देखने गए और विदेशी को 2-4 चाटी लगा दिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। वह भी पर्सन है, वह भी, उसको भी बहुत सारे सामाजिक अधिकार मिले होते हैं,
उसके साथ आप वो नहीं करते, कानूनी रूप से आप भी अगर मारेंगे उसको तो आप जेल जा सकते हैं। तो लेकिन हाँ, वो उनको अनुच्छेद 15 के तहत इसमें क्या है कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिला हुआ है, विदेशियों को नहीं मिला हुआ है। साथ ही अनुच्छेद 16 भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 16 है जिसमें समता का अधिकार की बात है, तो इसमें क्या है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है, यानी कि सरकारी नौकरी अगर है तो उसमें अवसर की समता होगी, सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा, लेकिन विदेशी को ये प्राप्त नहीं है। साथ ही अनुच्छेद 19 इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको सभा बनाने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, और देश के अंदर में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है, कोई व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। वो जहाँ चाहे अपने मन से बोल नहीं सकता है, बैठ मतलब वहाँ पे घर नहीं बना सकता है, कोई व्यवसाय ऐसे नहीं है कि अपना मन से शुरू कर देगा, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, नहीं तो पता लग गया कि पाकिस्तानिया यहाँ आकर के बॉम्बे फोड़ने लग जाएगा अगर उसको ये सब अधिकार मिल जाएगा तो। साथ ही साथ अनुच्छेद 29 और 30 इसमें सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, भारत में अल्पसंख्यकों को यह अधिकार मिला हुआ है लेकिन नागरिकों को मिला हुआ है, ये विदेशियों को नहीं मिला हुआ है। अब देखिए, कुछ पद होते हैं जैसे राष्ट्रपति है, जैसे उपराष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, या फिर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो है, या फिर महान्यायवादी है, या फिर महाधिवक्ता है, राज्यपाल है, ऐसे पोस्ट सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं, विदेशियों को नहीं मिलते हैं। विदेशी होने के नाते, और भाई नागरिक होने का मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना विशेषाधिकार। साथ ही साथ मतदान करने का आपको अधिकार है, वोट डालने का। देखिए, नागरिक उसको कहते हैं जिसको वोटर लिस्ट मिला होता है, एक वोटर मतलब उसको जो है सबसे बड़ा पहचान है नागरिक का कि उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में होता है, उसको एक आईडी कार्ड मिला होता है, कहीं भी दिखा देगा कहेगा देखो हम भारत के नागरिक है। साथ ही साथ उसको केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल में किसी प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है, यानी वोट से, या साथ ही साथ उसका सदस्य बनने का भी अधिकार है केंद्रीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल का। ये केवल नागरिकों को मिला हुआ है, विदेशियों को नहीं मिला हुआ है। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, संविधान में क्या उपबंध है नागरिकता से संबंधित। जो संवैधानिक उपबंध है वह कहता है कि 26 जनवरी 1950 तक भारत का नागरिक कौन कौन होगा, यानी कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तब भारत के नागरिक कौन होंगे। उसके पहले जो है हम लोग एक या तो ब्रिटिश प्रजा थे या ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त प्रजा के रूप में थे, हम लोग पूर्णतः नागरिक नहीं थे जैसे अभी हम लोग हैं। तो उस समय तो देश गुलाम था। जब हम संविधान को लागू करते हैं तब हम गणतंत्र बन जाते हैं, और तब नागरिकता को परिभाषित करना या नागरिक कौन है इसको निर्धारित करना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम हो गया था। तो संविधान विशेषज्ञों ने उस समय बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं किया था संविधान में, इसीलिए संविधान के अगर आप देखेंगे ना 5 से 11 में, तो संविधान विशेषज्ञों ने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है उसमें। उन्होंने एक आर्टिकल जोड़ा और लिखा कि आर्टिकल 11 में संसद को यह अधिकार होगा कि वह विधि बना करके नागरिकता संबंधी अधिनियम को वह पारित करे, और वह उसमें अपना डिफाइन करे कि कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा, कैसे कोई नागरिकता अर्जित करेगा और कैसे नागरिकता को त्याग करेगा। तो ये जो संविधान है संसद को यह विधि बनाने का अधिकार दे देती है, और संसद क्या करती है 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित करती है, और उसमें पता चलता है कि हम 5 तरीके से नागरिकता अर्जन कर सकते हैं और 3 तरीके से त्याग कर सकते हैं। अब आप आर्टिकल 5 को पढ़िए, तो इसमें सबसे पहले ये पढ़िए कि भारत के संविधान जब लागू हुआ उस समय नागरिक कौन माने जाएंगे। उसके पहले तो हमने आपको बता दिया है कि जो भी ब्रिटिश प्रांत में थे उसको ब्रिटिश प्रजा माना जाता था, या जो देशी रियासत में थे वो ब्रिटिश संरक्षित प्रजा माना जाता था, लेकिन हम लोग नागरिक के रूप में नहीं थे। जब संविधान लागू हुआ उस समय यही समस्या थी, तो कौन कौन नागरिक माना जाएगा 26 जनवरी 1950 को उस समय तक। तो उसके लिए आर्टिकल 5 में प्रावधान किया गया है कि पहला कि भारत का अधिवासी हो तथा उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी कि वह भारत में हो। मान लेते हैं कि हमारा जन्म तो अभी कुछ साल पहले हुआ है, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पिताजी का भी जन्म नहीं था उस समय, हमारे बाबा थे तो हमारे पितामह थे तो वो थे, तो उनको नागरिकता कैसे दिया गया। वह इसी देश के में निवास करते थे, यहीं रहते थे, उनका जन्म यहीं पे हुआ था, 1950 से पहले ही हो गया था जन्म उनका, इसीलिए वो इस देश के नागरिक माने गए। दूसरा देखिए,
अधिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश में स्वतंत्रता संग्राम चला रहा था, जैसे कनाडा में भी चला रहा था, आपको पता है अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में भी भारतीय बहुत सारे थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, गदर पार्टी जैसे आपने सुना होगा ये सब, तो उनका जन्म जो है उनके पिताजी से हुआ और उनके पिताजी ही विदेश में बसे हुए थे, तो उनका जन्म स्वाभाविक रूप से अमेरिका में ही हुआ, लेकिन उनके जो पिताजी है उनका जन्म तो भारत में हुआ है। इस तरह से वो व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे जिनके माता या पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो, तो ये तो जरूरी है। साथ ही साथ तीसरा इसमें ये क्लॉज जोड़ा गया कि अधिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो या उससे ज़्यादा समय से भारत में रह रहा हो तो उसको भी कहा जाएगा कि भारत के नागरिक है। जैसे कि बहुत सारे विदेशी भारत में आकर के राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे थे, जैसे एनी बेसेंट, कौन नहीं जानता है, सब जानता है एनी बेसेंट जो है वो तो हमारे देश की नहीं थी, आयरलैंड से आई हुई थी, लेकिन वो भारत में बहुत बढ़ चढ़ करके स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों का साथ दे रही थी, तो उनको कैसे नागरिकता मिलेगा, तो उनको वो तो 5 साल से ज़्यादा समय से रह रही थी, इसीलिए उनको भी भारतीय नागरिक माना गया और ये एक बहुत भी अच्छा प्रावधान किया गया। तो आप आर्टिकल 5 को समझ गए हैं। यहाँ एक बात आप स्पष्ट रूप से आप समझ जाइए कि ये जो तीनों हमने बनाया है 1, 2, 3 वाला, वह डोमिसाइल के आधार पर है, यानी अधिवास के आधार पर। अधिवास किसको कहेंगे, डोमिसाइल किसको कहेंगे, जो निश्चित समय के लिए और एक निश्चित इरादा के साथ, एक निश्चित उद्देश्य के साथ एक अनिश्चित काल तक किसी देश में निवास करता है, उसको कहते हैं अधिवास। तो अधिवास को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया होगा हुआ है कि वह एक लंबे काल तक वहां रहना चाहिए उस क्षेत्र में, साथ ही साथ उनका इरादा भी बहुत दिनों तक वहां रहने की हो, उसी को कहेंगे अधिवास। तो उसके आधार पर ये चीज़ें निर्धारित हो चुकी है। अब आप आर्टिकल 6 को देखिए, इसमें एक बात और समझ लीजिए कि इसमें तीनों शर्त को पूरा करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक शर्त जो कोई पूरा करता हो वह भारत के नागरिक होगा इसमें से कोई भी एक शर्त। अब अनुच्छेद 6 को देख लीजिए, देखिए इसमें क्या है कि पाकिस्तान से जो भारत में आए वैसे लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी। देखिए 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत में आ गए उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, अगर वो लोग भारत में 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो नागरिक माने जाएंगे, या उनके माता पिता या उनके दादा दादी नाना नानी या पितामह में से कोई भी भारत का नागरिक हो तब वो नागरिक माने जाएंगे। और इसमें यह भी लिखा गया कि वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आ गए हो और सामान्यतः संविधान लागू होने तक भारत में रहते हो, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक उनको नागरिक माना जाएगा। लेकिन उसमें एक शर्त भी जोड़ दिया गया, परमिट सिस्टम, जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे उनको परमिट सिस्टम के आधार पर काम करना पड़ेगा, अनुज्ञा पत्र, यानी कि उनको भारत सरकार परमिशन देगी तभी उनको नागरिक माना जाएगा। यानी कि 19 जुलाई 1948 के पश्चात जो आए हैं उनके माता पिता या पितामह में से कोई भी भारत का अगर नागरिक हो तब उनको नागरिक माना जाएगा। साथ ही साथ उनको आवेदन पत्र भरना पड़ेगा कि भैया हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, हम 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं, तब उनको माना जाएगा। अगर नहीं रह रहे हैं तो आवेदन पत्र उनका 6 महीने के बाद स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो कोई सक्षम पदाधिकारी के द्वारा वह पंजीकृत कर लिया गया हो तब उनको नागरिक माना जाएगा, अन्यथा उनको नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ये प्रावधान किया गया है। आजकल ये जो प्रावधान है आर्टिकल 6 और 7 का, इसका विशेष महत्व रहा नहीं क्योंकि अब ये परिस्थिति ही नहीं है, वो तत्कालिक परिस्थिति के लिए बनाया गया था। अब आप अनुच्छेद 7 को समझ लीजिए, देखिए 7 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता कैसी रहेगी, यानी कि जो भारत से माइग्रेट कर गए, कब माइग्रेट कर गए, 1 मार्च 1947 के बाद जब वह पाकिस्तान चले गए, यानी कि उस वक्त तो एक माहौल बन गया था कि भारत पाकिस्तान अलग हो जाएगा, हम लोग तो स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उससे पहले ही यह स्पष्ट हो गया था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा, तो कुछ लोग 1 मार्च 1947 के बाद ही पाकिस्तान में चले गए और वो वहाँ पर चले गए, लेकिन जो लोग वहाँ जा करके वहाँ की नागरिकता ले लिए तो वो तो ऐसे ही भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहाँ अस्थायी रूप से गए, अस्थायी रूप से नहीं गए, माइग्रेशन का मतलब होता है
कि किसी निश्चित स्थान पे अस्थाई रूप से जाकर के वहाँ पे बस जाना, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ बस नहीं पाए, वहाँ अस्थाई रूप से गए, कुछ बिजनेस के सिलसिले में गए होंगे, कुछ ऐसे भी गए होंगे, लेकिन हुआ क्या कि उनको पाकिस्तान ने असली रूप दिखा दिया, बेचारे को टॉर्चर कर दिया और वहाँ से वो भागे भागे फिर इंडिया में आ गए। अब क्या उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? तो भारत के संविधान में कह दिया गया कि जो लोग वहाँ की नागरिकता ले लिए या जो अस्थायी रूप से बस गए, जो जिनका इंटेंशन ही था पाकिस्तान में बसने का और वो फिर भी आ जाते हैं इंडिया में अस्थायी रूप से कोई बिजनेस विजनेस करने के लिए, तब कहते हैं हमको दे दीजिए नागरिकता, तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगा। वो ससुरा अगर मान लेते उनको नागरिकता मिलेगा, वो आकर के बम विस्फोट वगैरह कर देता तो एक अलग ही समस्या पैदा हो जाता, तो ऐसे उसको नहीं मिलेगा। लेकिन वैसे लोग जो पाकिस्तान चले गए, उनको पाकिस्तानियों ने टॉर्चर्ड कर दिया, वो अस्थायी रूप से वहाँ गए थे और वो भारत में आकर के उनका इंटेंशन है अस्थायी रूप से भारत में ही रहना, तो वह एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे और 6 महीने के बाद भारत सरकार उनको नागरिकता दे देगी। तो ये प्रावधान किया गया है। तो 6 और 7 का अब अभी वर्तमान में कोई महत्व नहीं रहा है। तो हम लोग अब देखते हैं, देखिए अनुच्छेद 8 को समझिए। अनुच्छेद 8 में है कि विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता कैसी होगी, इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। विदेश का मतलब पाकिस्तान को छोड़ के बाकी की दुनिया में अगर कोई व्यक्ति रह रहा हो, उसका कोई माता हो या पिता हो या कोई पितामह हो, अगर वह भारतीय है तो वह भारत के नागरिक माना जाएगा। अगर वह एक फॉर्म भर करके रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। देखिए जब हम स्वतंत्र हुए 1905, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विदेशों में रह के स्वतंत्रता संग्राम चला रहे थे, जैसे लंदन में चला रहे थे, जैसे सैन फ्रांसिस्को में चला रहे थे और भी अलग अलग चला रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो ये मतलब काम करने के लिए बाहर गए हुए थे विदेशों में, तो ऐसे लोग भी भारत के नागरिक माने जाएंगे अगर उनके माता पिता या पितामह में से कोई भी भारत का नागरिक हो और उन्होंने नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हो, या रजिस्ट्रेशन के लिए राजनयिक के माध्यम से या फिर काउंसलर के माध्यम से अपना फॉर्म भर दिया हो, तो उनको भी भारत का नागरिकता मिल जाएगा। और यह प्रावधान जो है किया गया था विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ गए। देखिए यह सारा जो प्रावधान अभी तक हुआ, ये 5, 6, 7, 8, ये सब उस समय के तात्कालिक परिस्थिति को ध्यान में रख करके किया गया था। आर्टिकल 9 को देखिए, अनुच्छेद 9 को देखिए, इसमें क्या है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति है जो जा करके किसी देश में स्वेच्छा से जा करके वहाँ की नागरिकता ले लेता है, तब उसको नागरिकता, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब दोनों देशों का मजा नहीं ना ले सकते हैं आप, यहाँ भी आपको अधिकार मिल जाएगा काफ़ी नागरिक रहने पर, दूसरे देश में तो ऐसा नहीं होगा। भारत सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी जैसे ही आपने विदेशी किसी देश का नागरिकता ले लिया तो। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 10, ये क्या कहता है, नागरिकता का बना रहेगा, नागरिकता का बना रहना जब तक कि कोई अन्यथा कार्य न करे। मतलब आपकी नागरिकता जो है ना वह सामान्यतः बनी रहेगी, उसको कोई छीनेगा नहीं, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई देश विरोधी काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो बहुत नुकसान हो जाए देश का, तब उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। मान लेते हैं भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया और आप जो है सो चीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, जय जय कर रहे हैं या चीन का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर भारत सरकार क्या करेगी, वो कहेंगे भाग तुमको नागरिकता तुम्हारा हम छीन लेंगे, आपका नागरिकता छीना जाएगा, फिर आप नागरिक नहीं रहेंगे। और मान लेते हैं भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, अब पाकिस्तान का झंडा लेके कोई लहरा रहा है तो फिर उसको कैसे भारत का नागरिक माना जाएगा, तो देशद्रोही काम कर रहा है, देश के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको तो नहीं रखने दिया जाएगा। देखिए ये अच्छा प्रावधान है, नहीं तो देश में कितना से क्या क्या हो जाता। अब देखिए अनुच्छेद 11 में क्या है, इसमें है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। देखिए संविधान में लिख दिया गया है कि तत्कालिक परिस्थिति के आधार पर संसद ये निर्णय करेगी कि किस तरह के कानून बनाना चाहिए, और संसद एक अच्छा सा कानून बनाएगी जिसमें व्यक्तियों का जो है वो मौलिक अधिकार भी सुरक्षित रहे और उनकी नागरिकता भी बरकरार रहे। इसलिए नागरिकता संबंधी जो भी कानून है देश हित में संसद बनाएगी, और उसके अंदर में पूछ दे कि उसके अंदर में कौन है जो कानून बनाती है, तो गृह मंत्रालय होती है, होम मिनिस्ट्री होता है, जो कि ये नागरिकता संबंधी कानून को बनाने का काम करती है। अब तरी धराधर जो है से रिविजन मारिए था। देखिए अनुच्छेद 5 में कथी कहा गया है, उसमें कहा गया कि संविधान का प्रारंभ जब होगा 26 जनवरी 1950 तक, तब कौन नागरिक होगा, स्पष्ट है। 6 में क्या किया गया है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में आएगा उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। 7 में क्या किया गया है,
इंडिया से पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से लौट के भारत में आया, उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। और आठवां क्या करता है, विदेश में प्रवास यानी कि विदेश में रहते हैं उसको नागरिकता कैसे मिलेगा, वो है। नौवां क्या कहता है, सटले तो गेले बेटा, माने दूसरे के वहाँ सट जाते हैं, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तब आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं सटले तो गेले बेटा। साथ ही दसवां है, देखिए नागरिकता का बना रहना, संसद जो है आपकी नागरिकता को नहीं छीनती है, सरकार नहीं छीनती है, वो जनरल स्थिति में बना रहता है जब तक कि कोई अन्यथा काम आप नहीं करते हैं, ज़्यादा कटर पटर नहीं करते हैं तब। साथ ही साथ 11, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता संबंधी कानून को बनाएगी। तो आप ये अनुच्छेद को अच्छे ढंग से समझ गए हैं। अब देखिए, अब आप नागरिकता अधिनियम 1955 को समझिए, इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए अभी तक जो आपने अभी तक देखा है वो सब ट्रेलर था, असली कहानी भाई यहाँ से शुरू होता है। तो असली कहानी की शुरुआत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जब संसद के द्वारा बनाया गया तब शुरू होती है। इसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो 5 प्रकार से अर्जित हो सकता है और 3 प्रकार से त्याग हो सकता है, यानी 5 प्रकार से कोई भी भारतीय नागरिक बन सकता है और 3 प्रकार से त्याग कर सकता है। तो क्या क्या 5 प्रकार है उसमें से देखिए इस नागरिकता अधिनियम में बार बार संशोधन भी किया गया है। 1986 में एक बार संशोधन हुआ, फिर 1992 में हुआ, 2003 में, 2005 में, 2015 में, फिर 2019 में NRC वगैरह लाया गया। आपने देखा कि 1955 में बना और 1986 में फिर संशोधन करना पड़ा, क्योंकि कोई भी कानून जो होता है ना एकदम परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां रह ही जाती है, या फिर परिस्थिति समय के अनुसार बदलने के आधार पर उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए तो हमारा संविधान जो है वह जीवंत संविधान है, डायनेमिक है, और यह समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलते रहता है, तो कानून भी बदलते रहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला जो है नागरिकता लेने का जो एक तरीका है उसमें है कि जन्म के आधार पर नागरिकता। इसमें यह लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ उस दिन से लेकर के और वर्तमान में जो चल रहा है वहाँ तक, कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हो जाएगा वह भारत का नागरिक हो जाएगा। खाली जन्म ले लिया भारत में तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। यह जो कानून बनाया गया ना, तो इसमें ज़्यादा सोच समझ के नहीं बनाया गया, ये ऐसा कानून था ना कि जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो गया। अब देखिए पाकिस्तानिया वाला बहुत मिसयूज किया, वो क्या करता था कि 8-8 को शादी करता था, 10-10 को शादी करता था, और वहाँ से बच्चा को लोड करके बीवी को भेज देता था भारत के अंदर में, और यहाँ आकर के वो बच्चा पैदा कर देती थी, वही भारत के नागरिक हो जाता था, और उससे बड़ा होकर के आतंकवादी बनकर के बम फोड़ने लगता था। अब ये एक समस्या पैदा कर दिया, तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि अरे ये तो बड़ी भारी समस्या पैदा हो गया भाई, अब इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो उसमें थोड़ा सा संशोधन करना पड़ा 1986 में आके, 31 साल के बाद, सोच लीजिए कितना दिन के बाद हुआ। तो तब जाके नींद से जगा और तब इसमें आया कि नहीं, उसी को नागरिकता मिलेगा भारत के अंदर में जो जन्म लिया है, जिसमें से उसका माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक होगा तभी उसको नागरिकता मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। नहीं तो पता लगे कोई आया ताजमहल देखने के लिए, कोई विदेशी या कोई इंग्लैंड से आया ताजमहल देखने के लिए और यहाँ के देखा ओ माय गॉड बहुत अच्छा, और उसके बाद यहीं पे वह जन्म दे दिया बच्चे का और वो बच्चा जो है कि यहाँ का नागरिक बन गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 2003 में फिर संशोधन हुआ। हुआ क्या कि इसका बड़ा मिसयूज होता था, जैसे पाकिस्तानिया कोई आता था कश्मीर में पढ़ने उड़ने के लिए और यहाँ के किसी लड़की को मतलब पहले से ही टारगेट रहता था कि पढ़ना उना तो नहीं है, यहाँ पे आकर के उसको पसंद करना है, उसको पटा लेना है, उससे शादी कर लेना है, फिर उससे बच्चा पैदा कर लेना है और जो है फिर बाद में वही आतंकवादी बन जाना है। तो इसका बड़ा मिसयूज होने लगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको पढ़ने के लिए मिला है तो आप यहाँ के बापे बन गए, एक्चुअली है क्या कि उसका भी बहुत मिसयूज हो रहा था। फिर 2003 में संशोधन करना पड़ गया, कहा कि भैया वो जो नागरिकता होगी ना माता या पिता में से दोनों का वैलिड होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए तभी उसका नागरिकता माना जाएगा, तब जाकर के यह कानून जो है अपने सही रास्ते पे चला। अब देखिए इसका अपवाद भी है, अगर कोई राजनयिक है, कोई विदेशी राजनयिक जो रहता है उसका अगर बच्चा यहाँ पैदा हो जाता है इंडिया में, उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसको अपवाद रखा गया है। साथ ही कब्जा वाला क्षेत्र, अगर कोई भारत का कोई क्षेत्र है जो कब्जा किए हुआ है कोई शत्रु देश, वहाँ अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, तो ये चीज़ है इसमें। अब देखिए वंश के आधार पर नागरिकता कैसे अर्जन होगा, अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और वो विदेश में चला गया और वहाँ जाकर के बच्चे को जन्म दे दिया तो बच्चे का कौन सी नागरिकता दी जाएगी, क्या वो भारत का नागरिक नहीं होगा, वो होगा, भारत का नागरिक होगा। पहले था कि पिता अगर भारत के नागरिक है और बच्चे को जन्म होता है कहीं भी तो
उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, माता के आधार पर नहीं माना जाएगा, पिता के आधार पर माना जाएगा। लेकिन उसमें संशोधन कर दिया गया 1992 में, और अब महिला सब कोर्ट में चली गई, कही कि अरे ऐसे कैसे हो गया, खाली बाप ही बच्चे का जन्म देने में नहीं ना है, वो तो माँ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में होती है, वही उसको पालती पोसती है ज़्यादा, तो क्यों नहीं माँ को भी, क्या माता और पिता दोनों को अलग अलग संविधान समझता है क्या, लड़का लड़की में भेद करता है क्या, ऐसा तो है नहीं, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करना है। तो महिला सब चली गई सुप्रीम कोर्ट में 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, महिला हो या पुरुष दोनों में से कोई भी भारत का नागरिक है और वह बच्चे विदेश में जन्म देती है तो वह बच्चे की नागरिकता जो है भारतीय नागरिकता उसको माना जाएगा, वह भारत का नागरिक कहलाएगा। तो ये चीज़ है। अब एक उदाहरण देखिए, अभी इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई लोग है तो वंश के आधार पर ही उनको नागरिकता मिला हुआ है। जैसे हम अभी है, हम भारत के नागरिक कैसे हो गए, हमारे पिताजी इस देश के नागरिक थे और हमारे पिताजी के पिताजी इस देश के नागरिक थे इसलिए पिताजी नागरिक थे। तो इस तरह से वंश के आधार पर ही है, अधिकांश लोग वंश के आधार पर ही है। उसके साथ है, आप देखिए कि एक वो हीरो है उसका नाम सैफ अली खान, करीना कपूर, उसका बच्चा कहाँ हुआ, इंग्लैंड में जाकर के, तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं होगा, होगा, उसका माता या पिता दोनों भारतीय नागरिक है इसलिए होगा, अब ऐसा थोड़ी कहेंगे कि जाके इंग्लैंड का नागरिकता ले लो। उसी तरह से देखिएगा अभी शोएब मलिक और ये आपका सानिया मिर्जा, ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है उससे जाके शादी कर ली पाकिस्तान में, बड़ा देखे थे क्या क्या हुआ था, वो उस पर गाना उना भी खूब बना, अब वो पाकिस्तान में वहाँ पे हो गए तो वो बच्चा जो जन्म लिया उसका क्या नागरिकता रहेगा, पाकिस्तानी रहेगा कि इंडियन रहेगा। तो अगर इसमें संशोधन नहीं होता, पिता के आधार पर माता दोनों के आधार पर नहीं बनाया जाता, तब तो वह पाकिस्तानी नागरिकता उसको लेना पड़ता है उस बच्चे को। लेकिन अब तो माता के आधार पर भी होता है, तो वह बच्चा जो है अभी तो छोटा है, जब बाद में जब सियाना होगा, जब वह युवा अवस्था में आ जाएगा, तब उसको स्वेच्छा होगा कि वह किस देश का नागरिकता लेगा, उसको जो मन में आएगा पाकिस्तान का भी नागरिकता ले सकता है और इंडिया का भी नागरिकता ले सकता है, उसकी मर्जी होगी। अब देखिए नागरिकता प्राप्त करने का तीसरा विधि देखिए, तीसरा विधि है पंजीकरण, इसको बोलते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। ये इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो विदेशी है और वो भारत में आ गया, मान लेते हैं घूमने के लिए आया, भारत उसको बड़ा अच्छा लगा, यहाँ के कल्चर उसको अच्छा लगा, यहाँ के लोग उसको अच्छे लगने लगे, यहाँ के जलवायु उसको अच्छा लगा, तो क्या करेगा, वो यहीं बस जाएगा। और अगर वह यहाँ 7 साल तक बसा रहा और तब वह रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है कि हमको भारतीय नागरिकता दे दिया जाए, तो भारत सरकार उसको भारतीय नागरिकता दे सकती है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई विदेशी जो 7 साल से यहाँ रह रहा है और नागरिकता के लिए आवेदन दे देगा तो उसको नागरिक मान ही लिया जाएगा। ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा, ये संसद के ऊपर निर्भर करेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई पाकिस्तानी यहाँ आएगा बम फोड़ने के इरादा से और 7 साल तक यही रहेगा, और 7 साल का ही नहीं रह सकता है, ट्रेनिंग लेगा, इधर उधर घूमेगा, इधर उधर रोड देखेगा किधर क्या बम फोड़ना है कहाँ पे, और उसके बाद वह 7 साल के बाद क्या करेगा, आवेदन कर देगा, अब भारत उसको नागरिकता दे देगा, फिर वह इधर उधर जा करके बम फोड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं ना, उसको पहले जाँच पड़ताल करेगा भारत, तब जा करके उसको देगा नागरिकता, देना है कि नहीं देना है ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। साथ ही साथ अगर कोई विदेशी आता है, यहाँ के किसी महिला को पसंद कर लेता है, लड़की को पसंद करके यहाँ विवाह कर लेता है, तो भी उसको नागरिकता मिल सकता है, लेकिन वही शर्त रहेगा कि उसको 7 साल रहना है। अब देखिए इसमें परीक्षा में बच्चे अक्सर गलती क्या कर देते हैं कि वो लिख देते हैं पंजीकरण जो है तो 5 साल का होना चाहिए, ठीक है 5 साल पहले था, लेकिन उसमें संशोधन करके उसको 2 साल एक्सटेंड करके 7 साल कर दिया गया। और जिस समय संविधान बना था 1955 में, उस समय तो सिर्फ 6 महीना था कि 6 महीना तक रह गया, उसके बाद बाई रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है हमने आपको बताया था कि वह भारत का नागरिक सकता है, उसके लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसके बाद 5 साल किया गया, अब उसको 7 साल कर दिया गया है, तो इसको आप याद रखे रहिए। अब देखिए नागरिकता प्राप्त करने का एक चौथा विधि है जिसको बोलते हैं देशीयकरण, उसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन माने अगर कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में आकर के रहता है कम से कम 10 साल तक, तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है, वह एक आवेदन करेगा और उस आवेदन के आधार पर जांच पड़ताल होगी और उसके आधार पर उसको मिल सकता है, बशर्ते कि वह उस देश का नागरिक नहीं हो, वह पहले से किसी देश का नागरिक नहीं हो, उसको अपना मूल देश के नागरिकता को त्याग करके आना पड़ेगा और उसको भारत सरकार को सूचना देनी पड़ेगी, भारत के संविधान में उसको विश्वास करना होगा, भारत के कल्चर में विश्वास करना होगा, यूनिटी में विश्वास करना होगा, ऐसा नहीं कि कोई देशद्रोही वाला काम कर रहा हो, कोई गड़बड़ सड़बड़ काम कर रहा हो उसको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, वह व्यक्ति जो है वो भारत के कल्चर के आधार पे उसको मालूम होना चाहिए कि भारत में हम क्यों बसना चाहते हैं, उसको भारत को समझना चाहिए, भारत की संस्कृति को भी उसके अंदर में समझ होना चाहिए, साथ ही भारत के संविधान में जो 22 को भाषा है उनमें से कोई एक भाषा उसको बोलने भी आना चाहिए, तभी उसको नागरिक माना जाएगा। जानते हैं ना भारत में जो है वो 22 को भाषा है जिसको
संवैधानिक राजकीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है बोडो संथाली इस तरह से, और साथ ही साथ इसमें कुछ अपवाद भी बनाया गया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कलाकार है, विज्ञान वैज्ञानिक है, या भारतीय भाषा नहीं भी जानता हो लेकिन कलाकार हो और वैज्ञानिक हो, अपने क्षेत्र में चोटी के कुछ काम किया हो, तो ऐसे को नागरिकता मिल सकता है बड़ी आसानी से। उसको 10 साल या 12 साल रहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और भारत के कोई एक भाषा को सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो अपवाद बनाया गया है। अब देखिए, भारत में एक कलाकार है जो पाकिस्तान से आया हुआ है, उसका नाम अदनान सामी, वह तो खैर बहुत दिनों से भारत में रह रहा है, उसको भी भारत की नागरिकता मिल गई है, वो कलाकार है, तो उस आधार पर भी मिलता है। तो इसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। ये दुनिया में बाकी जगह पर भी इस तरह की व्यवस्था होती है। अब देखिए, एक है पांचवा, अर्जित भूभाग के समामेलन के द्वारा, माने अगर भारत सरकार किसी युद्ध में किसी दूसरे देश के क्षेत्र को जीत लेती है तो वहाँ के जो नागरिक होंगे उसको भी भारतीय नागरिकता दे सकती है, ये भारत सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। अब ऐसे भी तो ये कॉमन सेंस की बात है, अगर मान लेते हैं कि बलूचिस्तान को भारत जीत लिया तो क्या बलूचिस्तान के नागरिक को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। अब देखिए, पाकिस्तान वाले लोग जो नाराज होंगे तो उससे अच्छा वो नाराज होकर ही क्या करेंगे, वो तो और अच्छा ही होगा उनके लिए कि वहाँ के नागरिक भारत के नागरिक बन जाएंगे। अब देखिए, पहले भी ऐसा होता था, अगर कोई राजा है जो अगल बगल के क्षेत्रों को अधिकार कर लेता था तो वहाँ के नागरिकों को भी तो वो अपना नागरिक मान के चलता था ना, उसको अपने देश का नागरिकता देता था। तो इस तरह से पांच प्रकार से भारत में नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है, वह है आपको 1955 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन इसमें तीन ऐसे प्रकार भी है जिसके आधार पर भारत की नागरिकता को त्याग भी दिया जा सकता है। जैसे पहला है परित्याग, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से परित्याग करना चाहता है कि हम भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि हम विदेश में किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार करेंगे, तब वह भारत की नागरिकता परित्याग कर सकता है। ये स्वेच्छा से परित्याग करता है कोई दूसरे देश की नागरिकता लेने के लिए, उसमें वही शर्त है। दूसरा देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है बिना भारत के सरकार को सूचना दिए हुए, तो ऐसे ही उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा, उसको कहा जाएगा कि बर्खास्त कर दिया जाएगा उसको नागरिकता से, तो वो हो गया। उसके बाद है वंचित कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कपटपूर्वक धोखा देकर के और गलत इन्फॉर्मेशन भर करके नागरिकता ले लिया है, तो अगर मालूम चला भारत सरकार को तो उसकी नागरिकता वहीं समाप्त कर दी जाती है। या नहीं तो मान लेते हैं कि जैसे भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा हो और आप चीन का झंडा लेकर भागने लगिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच में हो रहा है और पाकिस्तान का झंडा लेकर भागने लगिएगा, नारा लगाने लगिएगा, तो क्या करेगा भारत सरकार? तुरंत कहेगा ससुरा को पकड़ो और तुरंत आपको भारत जो है से नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, तब आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नागरिक नहीं रहेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या मार दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको देश से भगाया नहीं जाएगा। आपके पास भी बहुत सारे अधिकार रहेंगे लेकिन आपको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। आप चुनाव जो लड़ते हैं ना, वो जनप्रतिनिधि के लिए जो आप चुनाव लड़ते हैं संसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, उससे भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इस तरह से प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह, ये सब आप नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे कानूनी अधिकार जो है आपके खत्म कर दिए जाते हैं, आपका आधार कार्ड वगैरह, वोटर कार्ड वगैरह, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप नागरिकता का त्याग किया जा सकता है। अब देखिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, उसको देख लीजिए। भारत के जो नागरिकता है वह लिया गया है कहाँ के संविधान से? वह ब्रिटेन के संविधान की व्यवस्था जिस तरह से है, उसी तरह की व्यवस्था हमारे देश में हुआ है। देश यानी कि लिया कहाँ गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और प्रकार जो है वो कैसी है? इकहरी है। हमारी जो नागरिकता है वह इकहरी मिलती है भारत के अंदर में। यहाँ पे राज्य अलग नागरिकता नहीं देता है और देश अलग नागरिकता नहीं देता है। अमेरिका में क्या है कि वहाँ पे जितने भी राज्य है वो सबका अपनी अपनी नागरिकता होता है। वहाँ के जो लोग होते हैं वह प्रत्येक राज्य के अलग अलग नागरिक होते हैं। तो अमेरिका वाला व्यवस्था यहाँ नहीं है, यहाँ पे इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है, ब्रिटेन वाला व्यवस्था है। तो इसको आप एकदम स्पष्ट रूप से सुने रहिएगा। ऐसा नहीं कि कोई बिहार में रहता है तो वो बिहार का नागरिक है, बिहार का नागरिक भारत का ही नागरिक है, वह बिहार का निवासी है, तो उसको कहेंगे कि वह डोमिसाइल बिहार का है लेकिन जो सिटीजनशिप है वो इंडिया का है। साथ ही साथ अधिनियम, अधिनियम जो है यह 1955 में बना था। उसके बाद संशोधन पहला कब हुआ? तो 1986 में हुआ। फिर बाद में उसमें
संशोधन 1992 में हुआ, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में, इस तरह से हुआ है। साथ ही साथ प्राप्ति की विधि आप जानते हैं पांच गो है, अभी आप लोग हमने बताया, और त्याग करने की विधि जो है वह तीन गो है, तो उसको याद रख लीजिएगा। साथ ही इससे संबंधित जो कानून बनाए जाएंगे नागरिकता से संबंधित, वह कौन मंत्रालय बनाएगा, वो गृह मंत्रालय बनाता है, तो इसको आप याद रखे रहिएगा। अब हम अगला वीडियो में आपको NRC वगैरह के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।